राधे राधे सभी को, आप सुन रहे हैं मेरे साथ दिल की बातें पॉडकास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जन्माष्टमी तक आप मेरे पॉडकास्ट पर सुनेंगे श्री किशन जी की बाल लीलाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर सी एक बाल लीला हमारे कान्हा जी की। आइए शुरू करते हैं। कल लाला माखन चोरी करके घर लौट आया, परंतु भीतर नहीं आया। घर के बाहर बैठा कच्चे सोच रहा था। मैंने पूछी, क्या बात है लाला, बाहर का ही बैठ गए हो? संध्या का समय और बाहर ठंड भी बढ़ रही थी, भीतर चलो। पर लाला इतने गहन चिंतन में था कि उसे पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ कहा भी है या नहीं। मैं भी जाकर लाला के पास बैठ गया और फिर से अपना प्रश्न दोहराया, क्या बात है लाला, का गोपी ने कछु कह दी का? अब लाला ने मेरी ओर देखा और पूछा, बाबा एक बात बता, माखन चोरी करवे के ताई मेरे संग और मेरे सखा भी जावे, परंतु आज मैंने एक विचित्र बात पर ध्यान दियो। बाबा ने पूछी, वो क्या लाला? लाला बोले, जब हम माखन चोरी कर रहे थे तो मेरे बाकी सखा मटकियां से चोर चोर ते पटके, परंतु मटकी ना टूटे, और यदि मैं हल्की सी भी फोड़ दूं तो मटकी टूट जाए, ऐसा क्यों? लाला की बात सुनकर बाबा थोड़े भावुक हो गए। लाला ने कही, क्या बात है बाबा, मैंने ऐसी का पूछ ली जो तो इतना भावुक हो गए? तो बाबा ने टालने के लिए कहा, कुछ नहीं लाला, अभी तुम बालक हो, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तभी लाला फिर से बोले, मेरी समझ में नहीं आए, पर तुम भावुक क्यों हो गए, ये तो बताना पड़ेगा। बाबा ने कहा, लाला बता तो मैं दूंगा, परंतु एक वचन दो कि तुम लीला करनी नहीं छोड़ोगे। तो लाला बोले, ठीक है बाबा, मैं वचन देता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है लाला, पूछो। लाला ने फिर से अपना प्रश्न दोहराया, मेरे बाकी सखा मटकियां ने जोर जोर से पटके, परंतु मटकी ना टूटे, और यदि मैं हल्की सी छोड़ भी दूं तो तुरंत टूट जाए, ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, लाला तुम कहते हो कि मेरे छोड़ते ही मटकी टूट जाती है, अब लाला जिसे तुम छोड़ोगे वो तो टूट ही जाएगा ना, बाहर से भी और भीतर से भी। उत्तर सुनकर लाला जी उनकी गोद में आके बैठ गए और उनके चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में भरकर कहने लगे, बाबा तू तो एक क्षण में ही भावुक हो जाए, चलो भीतर चलो, मुझे भूख लगी है, कुछ पवा दो। तो ऐसी मनमोहक सी लीला थी जो श्री कृष्ण जी ने अपने बाबा के साथ की थी। उनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें जिनके मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप होते थे। ये तो बात सच है, श्री कृष्णा जी अगर हमारा हाथ छोड़ दें तो हम तो टूट ही जाएंगे ना, बाहर से भी और भीतर से भी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।